हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर की, और इसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन और इसके अलावा क्लासिफिकेशन बता दिया है। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को हैलो अल्केन के प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी कि कितने तरीके से हम लोग हैलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड बच्चों हम लोग की होगी बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल से किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी। बाय अल्कोहल। अब अल्कोहल में ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी, तीनों से ही प्रिपेयर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल ही लूँगी और इसकी रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड से करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं एक हैलोजन एसिड ले रही हूँ, HCl, HBr भी ले सकते हैं। और साथ में लेते हैं बच्चों हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 का क्या रोल प्ले है, तो ये बच्चों क्या करता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर यूज़ होगा। मीन्स यहाँ से ये एक मोल वाटर या जितने भी मोल वाटर निकल सकते हैं उसको ये बाहर निकाल देगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, H+ एंड OH नेगेटिव वाटर फॉर्म करेगा। एंड एल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बना लेगा बच्चों हैलो अल्केन, और ये इस तरह से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इस बार मैं अल्काइल की जगह यहाँ पर CH3 ले लेती हूँ। C2H5 भी आप लेके बना सकते हो। ये है हमारा मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, और हैलोजन एसिड HCl, नाउ एनहाइड्रस ZnCl2, इसका रोल मैंने बता दिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर से यहाँ से ये कट के अलग हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन हैलो एल्केन। तो ये है बच्चों हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल यहां लूंगी। अब सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहते हैं, तो मैंने अभी इसके पहले वाले में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जो भी हमारा गिवन है, चाहे यहाँ तो अल्कोहल है, हम लोगों ने इसके पहले किया हुआ है किसको, हैलो अल्केन को। तो उसके लिए भी मैंने आपको यही फंडा बताया था कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे वहाँ हैलोजन था तो यहाँ पे हमारा OH है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, अगर वो दो एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है तो वो हमेशा ही क्या होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अगर केवल एक कार्बन, अगर कोई भी नहीं है तो सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो वो हमारा प्राइमरी में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और मैं यहाँ इसकी रिएक्शन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराऊंगी बच्चों। तो ये इजीली यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये याद रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी वाला जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, वो इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप कार्बन रिलीजिंग है जो इजीली इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के अलग हो जाएगा, है ना, नेगेटिव में ये जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर यहाँ दो दो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो कि इसको इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे, बहुत इजीली इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। सपोज़ यहाँ पर अगर हमको 5 मिनट्स लग रहे हैं तो यहाँ पर 2 मिनट्स में ही हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी हैलो एल्केन, उसकी जगह पे ये Cl आ गया बच्चों, एंड वाटर। अगर मैं टर्शरी की बात करूँ तो ये हमारा टर्शरी होगा बच्चों, जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, ऑल आर एल्काइल ग्रुप ही होंगे, किस कार्बन के साथ, जो डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप या OH ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। और यहाँ फिर से मैं एक ले लूँ हैलोजन एसिड HCl।
अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि ये रूम टेम्परेचर में ही हो जाएगी, रूम टेम्परेचर में ही हो जाएगी और विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है कि जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पर हेलोजन एसिड के साथ जो रिएक्शन है ये बहुत ही फास्ट हो रही है, रूम टेम्परेचर पे ही हो रही है, विदाउट ZnCl2 एंड HydroZnCl2 के प्रेजेंस में ही हो रही है। तो ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 कार्बन रिलीजिंग ग्रुप थे, तो मैंने बताया कि ये 2 मिनट्स में ब्रेक हो रहा था और ये 5 मिनट्स में, तो यहाँ पर ये ओनली 1 मिनट में ही हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट 2-3 अल्काइल ग्रुप, कार्बन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज कर गया, तो जितने ज़्यादा कार्बन रिलीजिंग ग्रुप होंगे ईजीली ऑक्सीजन को वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे, और जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नेगेटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और जितनी जल्दी सेपरेट होगा उतनी जल्दी वो एच प्लस के तलाश में जाएगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। तो ये बन गया हमारा टर्शियरी हेलो एल्केन बच्चों। तो ये मेथड हो गई हमारी कि किस तरह से हम एक अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दें बच्चों, हेलोजन एसिड से, चाहे वो HCl हो HBr हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो वो बहुत इजीली वाटर मॉलिक्यूल को आउट करके हेलो एल्केन के प्रिपरेशन कर देता है। फ़र्क कहाँ आ रहा है? यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल की जो रिएक्शन रेट है वो बहुत फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बन रिलीजिंग ग्रुप 3 है, सेकेंडरी उससे थोड़ा स्लो होगा क्योंकि कार्बन रिलीजिंग 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसलिए ये थोड़ी स्लो होगी, और विदाउट ZnCl2 के ये दोनों रिएक्शंस नहीं होगी, जबकि यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर में विदाउट ZnCl2 की हो जाएगी। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा अल्कोहल से ही होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने अल्कोहल और हेलोजन एसिड लिया था, अब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे। तो अगर हम अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो किस तरह से हमारा हेलो एल्केन प्रिपेयर होता है, लेट्स सी। दिस इज अल्कोहल PCl5 क्या बनने वाला है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि PCl5 जो है वो किस तरह से ब्रेक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ा दिया है। इक्वेटोरियल शॉर्ट बॉन्ड होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और ये हमारे एक्सियल होते हैं जो वीक होते हैं, तो थोड़ा सा भी हीट करो तो सबसे पहले ये टूटते हैं। तो इसका मतलब है कि जो PCl5 है वो इस तरह से ब्रेक डाउन होने वाला है। अब यहाँ देखो कि ये हमारा ROH ग्रुप है और PCl3 को मैं यहाँ लिखूँ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या बन रहा है? तो ये बना हमारा एल्किल हैलाइड, ये बना हेलोजन एसिड, और ये बन गया हमारा POCl3। तो बिल्कुल यही रिएक्शन यहाँ होने वाली है बच्चों, R के साथ एक Cl आ गया यहाँ पर इसका PCl5 का और बन गया एल्किल हैलाइड, एंड नेक्स्ट इज अ POCl3 एंड नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा HCl। अब POCl3 क्यों बना? तो ये जो दो क्लोरीन यहाँ से गए हैं बच्चों Cl के साथ, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी वैलेंसी जो है ये 2 फ्री हो जाती है और यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजन, पेंटावेलेंट होता है ना, तो ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बना POCl3 एल्किल हैलाइड एंड HCl। अब हम इसको देखते हैं बच्चों अदर, यहाँ पे मैं R की जगह ले लेती हूँ CH3OH मिथाइल अल्कोहल एंड PCl5, तो PCl5 को फिर से मैं एक बार इस तरह से लिख दूँ, ये वाले जो बॉन्ड ब्रेक होंगे इसके, तो ये यहाँ से ब्रेक क्या बन जाएगा, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बन गया, नेक्स्ट इज द POCl3 एंड नेक्स्ट बन रहा है HCl। तो ये हो गया हमारा कि अगर हम PCl5 के साथ अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं तो हेलो एल्केन के साथ हमको POCl3 एंड HCl मिलता है। ओके चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट है PCl5 के बाद PCl3 के साथ अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करें तो भी हमको बहुत ही इजीली हेलो एल्केन मिल जाता है, लेकिन साथ में क्या मिलता है चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ अल्कोहल एंड दिस इज़ PCl
थ्री। तो यहाँ पर अभी तो ये पी सी एल फाइव नहीं है कि दो बॉन्ड, अब हमको सी एल को ही ब्रेक करना होगा। तो ये जो थ्री शॉर्ट बॉन्ड थे हमारे सी एल के साथ, वो पूरे के पूरे ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ ये यहाँ पे इस तरह से ब्रेक होगा, मतलब पी ओ एच के साथ एसिड बनाएगा, और जो हमारा ये सी एल है वो एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होगा। तो आर सी एल, आर सी एल थ्री तो हो नहीं सकता बच्चों, तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसको थ्री लगा लेंगे। ये तीनों जो क्लोरीन है वो एल्काइल ग्रुप के साथ आ गए और एल्किल हैलाइड फॉर्म किए। अब हमारा क्या बना, तो पी ओ एच थ्राइज। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो दिस इज़ एच थ्री पी ओ थ्री, दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड, ओके ये फॉर्म होगा। चलिए यहाँ पर भी हम एक दूसरा अल्कोहल लेते हैं, चलिए मैं इथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ बच्चों, और पी सी एल थ्री के साथ इसको ट्रीट करती हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि थ्री मोल यहाँ पे सी एस थ्री है, तो थ्री सी टू एच फाइव सी एल, इथाइल क्लोराइड बन गया, ये तो पूरा अलग होना है ना। फिर से हमको मिल रहा है ओ एच थ्राइज है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ डायरेक्टली एस थ्री पी ओ थ्री। आप पी ओ एच थ्राइज भी लिखो तो बात वही है, या आप उसको इस तरह से लिखो एच थ्री पी ओ थ्री, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा पी सी एल थ्री के साथ। तो याद रखना है आपको कि पी सी एल थ्री में सी एल जो तीनों हैं वो ब्रेक डाउन होके हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके हेलो एल्केन फॉर्म करेंगे, और जो फॉस्फोरस है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होके एसिड में चेंज हो जाएगा। ओके चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे की बताती हूँ रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो मेथड है बच्चों वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो भी हम लोगों को अल्कोहल हेलो एल्केन मिलते हैं, और ये हेलो एल्केन बनाने की बहुत अच्छी मेथड है क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट इसमें जो निकलेगा वो सारा का सारा गैसेस फॉर्म में होता है, तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, इसको हम डार्जन प्रोसेस के नेम से भी जानते हैं। ओके तो हम यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन बच्चों कराने वाले हैं SOCl2, जिसको हम बोलते हैं बच्चों थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन याद रखना, यहाँ पे हमको पिरिडीन भी लेना है, पिरिडीन यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे हम, C5H5N पिरिडीन। ओके अब यहाँ देखो कि जो SOCl2 है वो किस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, SOCl Cl, समझ गए होंगे आप लोग क्या होगा। तो सबसे पहले हेलो एल्केन बन गया, एल्किल हैलाइड RCl, SO2 बन रहा है गैसियस फॉर्म में बच्चों, एंड देन HCl बन रहा है ये भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अभी मैं एक और ले लेती हूँ, इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए CH3OH, मेथनॉल लिया हम लोगों ने और उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या लिया हुआ है पिरिडीन। तो फिर से यहाँ देखते हैं हम लोग SOCl ब्रेक हो जाएगा बच्चों, CH3Cl बन गया, एंड SO2 गैसियस फॉर्म में बच्चों, एंड नेक्स्ट इज द HCl जो है वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में। तो ये है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने की बहुत ही अच्छी सी मेथड, जिसको हम डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये अच्छी क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में इजीली रिमूव हो जाता है। ओके चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों ये तो सारी मेथड थी अल्कोहल की, इसके अलावा हम लोग अल्केन से भी हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, तो सबसे तो पहले मैं लिख दूँ बच्चों यहाँ पे कि फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन आप लोगों को पता है कि इट्स अ सैचुरेटेड कंपाउंड, तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो ये मेथड है हमारी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड से हम यहाँ पर हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इससे जो हमारा हेलो एल्केन प्रिपेयर होगा बच्चों वो उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर मोनो हेलो एल्केन चाहिए या डाई हेलो, तो हमको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ मिलता है, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, एक बार स्टार्ट जाती है तो ये चेन रिएक्शन चलती जाती है, तो हमको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ
हेलो एल्केन मिलते हैं, मीन्स मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा, इसका पूरा मिक्सचर मिलता है। तो इसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती है हम लोगों के लिए। तो क्या होती है चलिए देखते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर मीथेन से ही बताती हूँ आप लोग को, दिस इज़ मीथेन, और मीथेन के पास 4 रिप्लेसिबल हाइड्रोजन है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हम कॉपर क्लोराइड वगैरह भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंट में बच्चों जब मैं इसका हैलोजिनेशन करती हूँ, Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करती हूँ, तो एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ अलग हो जाता है और एक Cl जो बचा हुआ है बच्चों वो यहाँ आ जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ, और हम लोगों को मिल जाएगा मोनोक्लोरोमीथेन, या हम बोले क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। अब थोड़ी देर के बाद फिर से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है सनलाइट की प्रेजेंट में, फिर से Cl2 की रिएक्शन इससे कराएं, तो यहाँ हमको एक और हाइड्रोजन, इस बार ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और Cl के साथ HCl फॉर्म करके साइड प्रोडक्ट में अलग हो जाएगा। इस बार क्या बनने वाला है बच्चों, तो इस बार बनेगा हमारा डाई क्लोरोमीथेन। ओके नाउ नेक्स्ट फिर से होगा HNu and Cl2, तो फिर से यहाँ पे HCl रिमूव होगा, इस बार ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और हम लोग को मिलेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, या हम इसको बोलें ट्राईक्लोरोमीथेन। ओके अभी भी एक और रिप्लेसिबल है, तो फिर से यहाँ पे Cl2 के साथ एक HCl ये वाला निकल जाएगा और फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों टेट्रा क्लोरो मीथेन, या इसको हम लोग बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड के भी नेम से जानते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म अभी नहीं बता रही हूँ, मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊँगी, अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड देखनी है। ओके तो चलिए इसको नोट करिए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारी फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम लोग किस तरह से हेलो अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको पता है कि अल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं जैसे अल्कीन है, अल्काइन है, इन सभी में जो भी रिएक्शन होती है वो एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर भी हम एक एडिशन रिएक्शन करेंगे और उससे फॉर्मेशन करेंगे हेलो अल्कीन की। कैसे करेंगे बच्चों, तो ये सी हो गया हम लोगों का फ्रॉम अल्कीन, तो मैं यहाँ पे एक अल्कीन ले रही हूँ लाइक दिस, और इसकी रिएक्शन मैं हैलोजन एसिड से करा देती हूँ। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर 2 की कमी है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितने कम होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कम है किससे, अल्केन से। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं हाइड्रोजन और Cl, ये जो अरेंडम मॉलिक्यूल है हमारा, इसका नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, ये दोनों के दोनों ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे हेलो अल्कीन की। क्लियर हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखें यहाँ मैं Cl कर देती हूँ और यहाँ H। तो ये तो था सिर्फ 2 ही कार्बन थे बच्चों इस तरह के, अगर और भी इस तरह के अल्कीन्स हैं और ये H प्लस कहाँ ऐड होगा, Cl नेगेटिव जो है नेगेटिव पार्ट वो कहाँ किस वाले कार्बन पर होगा, उसके लिए मार्कोनिकॉफ ने एक रूल दिया अपना। ओके मार्कोनिकॉफ ने क्या रूल दिया था अभी मैं उसको भी बताऊंगी, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर अगर ये हमारा अडेंडम मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पार्ट हमको ऐड करना है, तो वो हमारा इस वाले कार्बन के साथ आएगा या इस वाले कार्बन के साथ आएगा, इसके लिए ही इन्होंने क्या हाइड्रोजन, मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन इन दोनों में से कहाँ आएगा, तो उसके लिए ही इन्होंने अपना एक रूल दिया कि जो भी नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ आना है, जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। ओके
लोअर हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव पार्ट ऐड होता है, और जो हायर हाइड्रोजन मतलब जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है वहाँ हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट। तो इसके लिए इन्होंने जो रूल दिया वो रूल बन गया मार्कोनिक ऑफ रूल, और मार्कोनिक ऑफ रूल के बाद हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी पढ़ने वाले हैं जो ठीक इसके ऑपोजिट जाएगा। जो चीज़ इन्होंने बताई है ना मार्कोनिक ऑफ ने कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए लोअर वाले हाइड्रोजन वाले में कार्बन में, तो वहाँ ना जाके एंटी मार्कोनिक ऑफ में कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव पार्ट, और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं एंड खराज भी, तो वो तो हम बाद में करेंगे, अभी सबसे पहले हम मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है उसको देख लेते हैं। ओके, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी आपको इस रूल से पता चल गया होगा कि जो भी हमारा एडेंडम मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, लाइक दिस। चलिए पहले मैं आप लोग को इसको बता देती हूँ कि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है। मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो किस वाले कार्बन के साथ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है या जिसके पास हाइड्रोजन क्या है कम। तो इट स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मॉलिक्यूल अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा बच्चों कम, लाइक दिस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहाँ पर HBr इसका एडिशन करा रही हूँ। तो दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव। अभी क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो लोअर हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा। मीन्स जो जहाँ पर हमारे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ वहाँ पर होगा, तो क्या होना है बच्चों कि Br जाके यहाँ आ जाएगा, तो CH3CH यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा Br, और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आ जाएगा, और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है। मैं इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को बता देती हूँ, डोंट वरी, लेकिन एक ट्रिक से भी मैं बता देती हूँ उसको, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे या लोअर हाइड्रोजन नंबर पे। तो आप इसको कैसे याद करोगे, तो नटवर लाल हल्का है, नटवर लाल कैसा है, थोड़ा हल्का है। तो इसके लिए मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए आप लोग लिख लो यहाँ पर NLH, नटवर लाल हल्का है, नटवर लाल क्या है, हल्का है। तो नेगेटिव पार्ट किसका, एडेंडम मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट लोअर या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाके ऐड होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं मैकेनिज्म बताती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम पे जाके बॉन्डेड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप में ये होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है किसकी, कार्बोकैटायन की। तो चलिए देखते हैं हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो इस तरफ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर गई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा था HBr, तो ये तो हमको पता है ये अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और हमको फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, कार्बोकैटायन की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे CH3CH एंड CH3 और Br जो है वो नेगेटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड देन अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। तो सेकेंड स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होगी बच्चों, तो अब हमारा जो कार्बोकैटायन है उस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो CH3CH एंड CH3, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट जो कि लोअर या लेस जो हाइड्रोजन एटम वाला कार्बन है उस पर जाके बॉन्डेड हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बन गया। दिस इज क्या बना है बच्चों, तो दिस इज टू ब्रोमो प्रोपेन। तो ये है बच्चों इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले हम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करते हैं, और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कार्बो एनायन, दिस इज कार्बोकैटायन। अब एनायन में कौन अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया इसके पास, और ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन वाला ग्रुप, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब ये यहाँ पर आके इससे अटैक करके बना लेगा 2-bromo-propane। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ओके, नोट करिए इसको। तो बच्चों कुछ केसेस में हमारे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन में टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो आप लोग को पता है कि जब एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दिस इज टर्शरी एंड दिस इज प्राइमरी एंड चलो मैं इसको सेकेंडरी कर देती हूँ, एंड दिस इज टर्शरी। टर्शरी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन वाला कार्बन है वो कितने कार्बन, 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये हमारा टर्शरी होगा। यहाँ पे ये 2 के साथ है, तो दिस इज सेकेंडरी, टर्शरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो पहले आप इसको समझो कि मैंने बोला कि टर्शरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद सेकेंडरी एंड लास्ट में प्राइमरी। इसका रीज़न क्या है, इसको समझो कि ये कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप है जो कि और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है उससे, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखो कि इस कार्बन के पास ये बता रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर लगे हुए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास खुद भी बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो तो कभी देना चाहेगा नहीं, है ना, मुश्किल से ही देगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मुझे ब्लड दो, खून दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन खून देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल ही फील करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो इसके पास खून नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों बंदे हैं, क्योंकि कार्बन कैसे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये कार्बन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, खून की कमी है, तो उसके पास खून बहुत है, ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे देने के लिए कितने आ रहे हैं भाई, इसके 2 भाई आ रहे हैं कि भाई चिंता नहीं करो, हम आ गए, हम दे रहे हैं, आप स्टेबल हो जाओगे। तो जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी से क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि उसके साथ एक नहीं बल्कि 2-2 कार्बन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही होगा इस तरह से, यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 हैं, ये कार्बन होगा यहाँ इसके साथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ग्रुप है यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 कार्बन अल्काइल ग्रुप है, और कार्बन या अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ब्लड इसको मिल जाएगा, तो मतलब ये काफ़ी देर तक जिंदा रह सकता है। तो टर्शरी क्यों इतना स्टेबल हो गया, क्योंकि ये 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है जो कि कार्बन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, डिक्रीज। हम लोगों को पता है कि किसी भी स्पीशीज में अगर वो चार्जेबल है तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, अनस्टेबल होती है। तो सब कोई क्या होना चाहता है बच्चों, स्टेबल, अपने चार्ज को कम करना चाहता है। तो यहाँ पे इसके चार्ज को कम करने के लिए इसके 3 भाई बंधु हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितना है, ओनली 1, तो सबसे ज़्यादा देर कौन स्टेबल होगा, ये। तो बस यही चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है कार्बोकैटायन का, यहाँ जो फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की, वहाँ पे 1-2 शिफ्टिंग होगी। किस तरह से शिफ्टिंग होगी, चलिए देखते हैं हम लोग।
ये है हमारा एक अल्कीन, और यहाँ पर भी वही होना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा बच्चों कार्बोकैटायन, और यहाँ पर आएगा हमारा कोई हैलोजन एसिड, है ना। अब क्या होगा, तो इसका हाइड्रोजन तो इसके पास चला जाएगा, क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और ये कैसा होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होने वाली है बच्चों, ये CH3 ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, और जो हैलोजन था वो तो अभी अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर 1-2 शिफ्टिंग होगी, क्यों होगी, स्टेबिलिटी, सबको स्टेबल होना चाहता है। तो क्या होता है बच्चों कि अभी जो हमको ये कार्बोकैटायन मिला है ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये देखो कार्बोकैटायन कितने कार्बन, 2 कार्बन के साथ क्या है, बॉन्डेड है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब हम इसको टर्शरी में चेंज करके क्या कर देंगे, स्टेबल, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर CH3, और ये हो गया यहाँ इस तरह से CH2 एंड CH3। अभी जो हमारा कार्बोकैटायन है वो कैसा बन गया, थर्ड डिग्री मीन्स टर्शरी कार्बो कैटायन। अब ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मैं भी इसके पहले ही बता चुकी हूँ, अब यहाँ पर अटैक कर देगा हमारा हैलोजन और ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो भी हैलोजन है, BR है या CL है, तो मैं यहाँ पे X ही लिख देती हूँ, CH2 एंड CH3। तो ये एडिशन किस तरह से हुआ बच्चों, हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या था मार्कोनिकॉफ, नटवर लाल कैसा है, हल्का, अडेंडम मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो आई होप कि अभी आप लोग को मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हमको एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, जो कि ठीक इसके ऑपोजिट जाता है, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो वो तो बहुत ईजीली याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ठीक हमको उल्टा बोलना है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन है वहाँ पर जाके हमारा नेगेटिव पार्ट बॉन्डेड होगा। चलिए तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ उसको। तो बच्चों अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होगा, और ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल जो हमारे अल्कीन होते हैं उसके लिए ही अप्लाई होता है, जो सिमेट्रिकल है उसमें तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी हो जाएगा, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसमें नेगेटिव पार्ट किस वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या जहाँ मोर, तो यहाँ पे तो ठीक ऑपोजिट जाएगा बच्चों। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन का नंबर कम है वहाँ पर हम नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड परोक्साइड, ओके, परोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ओके। चलिए देखते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, लाइक बेंजोइल परोक्साइड ले सकते हैं हम लोग, C6H5COOCO C6H5, टेक्स प्लेस अगेंस्ट और एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट या एंटी चलेगा ये, एंड दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और परोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। तो कुछ भी बोर्ड में पूछ सकता है, आपको करना यही है कि अगर आपने मार्कोनिकॉफ रटा हुआ है तो बस उसके ऑपोजिट आप जाइए। लाइक मैं यहाँ पर उसी तरह का एक एग्जांपल ले लेती हूँ, प्रोपीन का,
दिस इज, और एडिशन कराना है हमको HBR. याद रखना है कि यहाँ परऑक्साइड जरूर रहेगा. अगर परऑक्साइड है तो आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन कराना होगा. अगर परऑक्साइड नहीं है बच्चों इस तरह का दिया हुआ है, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा कि BR हमारा CH वाले में जाएगा और H यहाँ CH2. लेकिन अगर यहाँ पर परऑक्साइड है तो अभी ये खरास इफेक्ट, या मैं बोलूँ परऑक्साइड इफेक्ट, या मैं बोलूँ इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा. मीन्स अब की बार ये H जो है वो इस वाले H में जाना है और BR जो है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन के साथ. तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा CH3 CH2 CH2 BR. वन ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, अभी मैं इसकी आप लोगों को मैकेनिज्म बता देती हूँ तो और अच्छे से आप लोगों को ये हो जाना है. ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद करेंगे. तो ये कहाँ जा रहा है, हायर में हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, जो हायर हाइड्रोजन वाला कार्बन है वहाँ पर जा रहा है. तो इसको कैसे याद करोगे, नैन्सी हेलो हाय बोलती है, नैन्सी हेलो हाय बोलती है. तो आप यहाँ पे लिख लो NHH. और अगर नैन्सी नहीं याद है तो नटवरलाल हेलो हाय बोलता है, या ज़्यादा बेटर होगा नैन्सी हेलो हाय बोलती है. ओके, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं मैकेनिज्म बताती हूँ. बच्चों अब हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट की मैकेनिज्म देखते हैं. तो यहाँ पर जो इसकी मैकेनिज्म होगी बच्चों वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप लोग को पता है कि चलती ही जाती है, रिसाइकल होती जाती है, मतलब कंटिन्यूस मैनर में ये चलती जाएगी लाइक दिस. तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा HBR है वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा बड़े में ही लिखती हूँ उसको. अब यहाँ पे जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो अपने अपने बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री रेडिकल के फॉर्म में इस तरह से निकल जाएगा, ये H एंड BR फ्री रेडिकल. ओके, अब क्या होगा, तो अब ये जो BR फ्री रेडिकल है वो हमारा ये जो अल्कीन है अनसिमेट्रिकल. और याद रखना बच्चों कि ये जो हो रहा है खरास इफेक्ट, या फिर मैं बोलूँ एंटी का मार्कोनिक ऑफ रूल जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, या परऑक्साइड इफेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ HBR के साथ होगा, ना तो HCl के साथ होना है और ना ही HI के साथ. HCl में क्या होगा कि क्लोरीन के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऐसा टूटेगा ही नहीं इस तरह का, बार बार वो उसके साथ जुड़ता चला जाएगा. ओके, और आयोडीन के पास इतनी पावर है नहीं. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अब ये क्या करेगा, ये BR जो इस तरह से फ्री रेडिकल के फॉर्म में, इट्स हाईली अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव, ये क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको भी फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा. अब जैसे ये फ्री रेडिकल में चेंज हुआ तो ये साइड वाला इसके पकड़ में आ जाएगा और ये तुरंत ही उसको इस तरह से उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बच्चों, दिस इज. ओके, तो ये तो हो गया स्टेबल, लेकिन इसने इसको बना दिया अनस्टेबल. अभी देखो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म में है कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये अपना बदला लेगा. तो चलो देखते हैं कैसे बदला लेगा. तो ये फ्री रेडिकल क्या करने वाला है बच्चों, मैं इसको BR को ना यहीं लिख देती हूँ, CH2 BR. ओके, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ. ये क्या करेगा, अब HBR को क्या फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसकी बॉन्डिंग टूटी और ये तोड़ा किसने, इसने, और क्या करेगा, ये H को अपने बुला लेगा. BR ने क्योंकि इसकी दोस्ती तोड़ी थी, BR को बाहर कर देगा. तो ये क्या बना लिया, CH3 CH2. देखो ये H जो है वो यहाँ आ गया, तो ये CH से क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 एंड CH2 BR, और फिर से ये BR जो है फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया. तो अभी ये थोड़ी ना शांत बैठेगा, ये क्या करेगा, ये वापस से इस वाले प्रोपीन को अटैक करेगा और इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये चलता चले जाएगा. फिर ये अब इसमें चेंज हुआ तो ये फिर HBR का इसको तोड़ेगा, मतलब ये चीज़ें चलती जाएगी, ये फ्री रेडिकल जाके फिर से यहाँ अटैकिंग, फिर से ये बना, अब फिर से ये बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर HBR को फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा. तो ये चीज़ें चलती जाती है, अनकंट्रोल्ड होता है, जिस तरह से चेन रिएक्शन होता है. ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा हेलो अल्केन प्रिपरेशन की सारी मेथड्स हो गई.
अभी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया है, तो मैं इस वीडियो में अभी हेलो एरिन की जो प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, वो आप लोग को नहीं बता पाऊँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो आप लोग को दूंगी ना, तो आप लोग रिएक्शन देखते देखते पढ़ते पढ़ते ही सो जाओगे, है ना। तो छोटी छोटी वीडियो ही हम लोग बनाते हैं। आज आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर लो किसकी, हेलो अल्केन की, कि हेलो अल्केन को हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रिपेयर करते हैं। ऐसे अल्कोहल से बताई मैंने, अल्केन से बताई, अल्कीन से बताई, है ना। तो ये सब आप कर लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन मैथड करेंगे हेलो एरिन की, जो आप लोग के लिए बहुत ईजी होनी है, क्योंकि नेम रिएक्शन मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ और उसमें हम लोग काफ़ी सारे हेलो एरिन की प्रोडक्शन कर चुके हैं। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।